गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है जायके की दुनिया में बाय निधि। और आई होप कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और खूब डिशेस बना बना के एंजॉय कर रहे होंगे। पर हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सब चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। जायका अलग चीज़ है, पर इम्यूनिटी अपनी जगह ज़रूरी है, वो हमेशा ज़रूरी है, चाहे कोरोना हो या ना हो। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब देखिए, आज एक सिंपल सी डिश बना रही हूँ और वो बहुत जल्दी बन जाती है। कोई भी चीज़ मैं इतनी ज़्यादा देर की नहीं लगाती हूँ कि बहुत देर लगे और इतना ज़्यादा टाइम हो उसमें, खटरंगा हो और बहुत टाइम टेकिंग हो और हम कुछ और काम ही ना कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन में और भी बहुत काम है जो हमें खुद करने पड़ रहे हैं। तो आज मैं साबूदाना और आलू का वड़ा बना रही हूँ। यू कैन से कि ये कटलेट भी है, तो इसके लिए मैंने वही साबूदाना जो रात में भिगोया था और सुबह मैंने इसको पानी जो है सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। देखो कितना अच्छे सुंदर सुंदर साबूदाना है। और इसके लिए 3 आलू मैंने लिए हैं उबले हुए, और थोड़ा सा हरा धनिया है, और प्याज है, और हरी मिर्चें हैं। तो मसाला मैं अपने हिसाब से ऐड करूँगी, आपको जितना चाहिए इंटेंसिटी आप रख सकते हैं। इसके अंदर काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया एंड नमक है। और फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। और इसके लिए मस्टर्ड ऑयल में लूँगी, क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी टू। तो लेट्स स्टार्ट कि ये सबसे पहले आप इसको मैश करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आप हाथ में लगा लें और ये चिपचिपा ना हो। और इसको इस तरह से मैश करिए, मैशर के हिसाब से कर लीजिए अगर आपके पास मैशर हो। तो मैं इसको हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसके अंदर आप जितना चाहें आपको लगेगा, 50-50 की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी ठीक रहती है। तो साबूदाना के वड़े में इतना अच्छा होता है कि एक तो ये सॉफ्ट होता है और ये स्लाइमी भी होता है, और चिपचिपाहटपन से इसका डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आलू के साथ मिलके ये डिफरेंट हो जाता है। और आलू तो हर समय पसंद ही होते हैं सब लोगों को, बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर रेसिपी आलू की सबको बहुत पसंद है और हर सीज़न में पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि ये बरसात में गर्मी में कभी भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं है और आपको नुकसान नहीं करेगा किसी भी तरीके से। और कभी कभी थोड़ा सा शैलो फ्राई तो चलता ही है, क्योंकि टेस्ट भी तो है, लाइफ में आए हैं तो कम से कम थोड़ा सा टेस्ट भी लेना पड़ेगा चीज़ों का, इतनी वैरायटी है हमारे इंडिया में। तो अब मैंने थोड़ा सा इसमें ये प्याज मिला रही हूँ, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है इसके अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है जस्ट लाइक दिस। और ये थोड़ा हरी मिर्च लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। और मैं इसके साथ थोड़े ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसके अपने हिसाब से, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। अब ये आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैंने ये इसको मैश करके रख दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि चिपचिपाहट ना रहे, क्योंकि आलू में भी चिपचिपाहट रहती है। और हल्के हाथ से जो भी साइज़ आपको चाहिए, जो आपको ठीक लगता है, हार्ट शेप, बच्चों के हिसाब से स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हैं, ये आराम से अपने शेप ले सकता है और ये टेस्ट भी बहुत लगता है। तो इसमें यह है कि कोई भी इसके अंदर ये नहीं है कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया, ये दोनों रेशो जो हैं अपने आप में बिल्कुल सही बैठते हैं, कि जितना आलू उतना साबूदाना, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये आपका सुबह इवनिंग में कभी भी आप इसको बना भी के रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके पास तो, और आपको क्या बनाना है, तो साबूदाना तो आप भिगो के रख सकते हैं, और आलू तो जो भी है अक्सर उबले ही जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में लगते हैं, आलू तो सब्जी का राजा है। तो राजा को तो बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए ये कटलेट्स मैंने बना दिए हैं आपके, कितने अच्छे और टेम्प्टिंग हैं ये।
आपको किसी भी सीजन में खा सकते हैं, बरसात हो, इवनिंग स्नैक्स हो, उसको सॉस से, ग्रीन चटनी से बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये कटलेट्स पूरे रेडी हो गए हैं और इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको शैलो फ्राई करके दे सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। देखिए, अब ये नॉनस्टिक पैन में अब ये ऑयल जो है हीटअप हो गया है अप्रोप्रिएट, और अब मैं इसको ये कटलेट्स डालूँगी। और आप इसको गोल्डन ब्राउन सुनहरा होने तक इसको रखिएगा, और अगर थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। तो इसको अभी हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे, क्योंकि आलू है और अनियन भी है और साबूदाना भी है, इन सबकी दोनों की टेंडेंसी होती है कि ये हीट से और ऑयल से क्रिस्पी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हल्का सा इसको प्रेस कर दीजिए, जैसे कटलेट्स को हम लोग थोड़ा फ्लैटन कर देते हैं। तो देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा सेकेंगे, कम से कम 2 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एक तरफ से, और आप सबको जो है धीरे धीरे आप पलट सकते हैं। और हरे को देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ रहा है, पर ये होना चाहिए मीडियम से और सिम के बीच में। ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी जल जाएगा, और फिर जितना धीमे हाथ में सेकते हैं तो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं ये। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है उनका। तो इसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, कम से कम 2 या 3 मिनट तक। फ्रेंड्स देख सकते हैं अब आप ये कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये बनके रेडी हैं गोल्डन। इसको आप आलू और साबूदाना बड़ा भी कह सकते हैं, आलू कटलेट भी कह सकते हैं, और आलू साबूदाना टिक्की भी कह सकते हैं। इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इन्जॉय, दिस इज लाइक दिस, ये इसी तरह से बन जाता है, लाइक दैट, लाइक दिस। ओके, इन्जॉय, हैव अ नाइस डे।